हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और मैं आज आप लोग लेके आई हूँ अमेजोन शॉपिंग हॉल। अमेजोन से रिसेंटली मैंने परचेज करी है बहुत सारी ज्वेलरीज और शायद आपको मेरा एक्साइटमेंट देख के समझ में आ रहा हो कि ज्वेलरी पीसेस वाकई ही बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड साथ ही साथ स्टाइलिश भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला हॉल बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कहीं कोई प्रोडक्ट आप लोग मिस ना कर दें, क्योंकि अगर आपने एक भी प्रोडक्ट मिस किया मींस आपने बहुत ही अच्छी डील मिस कर दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोग बता देना चाहती हूँ कि अमेजोन पे अभी रिसेंटली चल रही है मेगा फैशन सेल। इस टाइम आप लोगों को बहुत सारी ब्रांड्स पे 80-90% तक ऑफ मिल जाएगा एंड कुछ कुछ पे तो भाई 95% तक ऑफ है। तो जल्दी से जाओ और इस सेल का फायदा उठाओ। और एक और चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आप लोगों को वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड बिना देर करते हुए हम चलते हैं हमारे हॉल की तरफ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने इतने सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, मीन्स मतलब एक बॉक्स अलग से भी है और सारे ही मैंने ओपन कर लेते पहले ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हॉल के बीच में टाइम वेस्ट करूं आपको अनबॉक्सिंग करके। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं हमारे हॉल की तरफ। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा बैंगल, स्टाइलिश है एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस टाइम ट्रेंडिंग पीस है, आप लोग इसे परचेज कर लो और ये शायद आपको 320-340 का मिलने वाला है। इन सेल आपको क्या प्राइस में मिलेगा मुझे नहीं पता, बट हम पे 320-340 का पड़ा था। एक बार मैं जो भी प्राइजेस होंगे मैं साइड में मेंशन कर दूंगी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर है और इस टाइप के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ब्लैक एंड व्हाइट के साथ बहुत ही अच्छे से जाती है। तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने एक साड़ी के साथ इसे स्टाइल किया हुआ, हाई नेक पहना हुआ था, विंटर्स की टाइम है और मैंने उसे साड़ी में स्टाइल किया, काफी अच्छा लग रहा था। ये वाला जो बैंगल है ये इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों पे ही बहुत अच्छे से जाएगा, तो एक बार उसको ट्राई करके देख सकते हो। कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर यार ऑफिस गोइंग लेडी हो तो इसे ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही स्टाइलिश सा पीस है ये। कुछ ऐसा मिलेगा बैक साइड से आपको ओपनिंग वाला मिलेगा ताकि आप इजिली इसे पहन पाए। पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, कुछ इस तरीके का है और मैंने ब्लैक पहना हो तो हल्का फुल्का जा भी रहा है, तो ऐसा कुछ ट्राई करके देखो। और इस वाले पीस को तो भाई 10/10 है तो एक बार इसको ट्राई करके देखो मेरे कहने पे। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हमारे नेक्स्ट पीस पे और देखते हैं कि वो क्या परचेज किया है। तो नेक्स्ट पीस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स। सेम यही इयररिंग्स मैंने जावेरी पर्ल में भी देखे हैं बट उसमें थोड़े से कॉस्टली हैं और ये मुझे थोड़े सस्ते पड़े तो मैंने इन्हें परचेज कर लिया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, शायद अभी जो ग्रीन वाला है वो आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी भी और कलर हैं वो अभी स्टॉक में है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर से हैं ये इयररिंग्स, आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पे मीनाकारी की फिलिंग मिलेगी आपको एंड सेम यहीं पे भी आपको मीनाकारी की फिलिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे जो मोती वाली, वो मोती वाली लड़ी यूज की गई है, यहाँ पे लगा दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको मीनाकारी फिलिंग मिलेगी, बीच में यहाँ पे कुंदन का काम मिलने वाला है आपको और नीचे बहुत ही सुंदर सा मोतियों का काम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट भी 10/10 है और ये मुझे शायद 499 रुपीज का मिला। क्वालिटी भाई टॉप नोच है तो इसे आप एक बार ट्राई करके देखो। कहीं शादी में जाना है, किसी लहंगे पे, किसी सिंपल सी ड्रेस में आप पहन लो, बहुत ही सुंदर लगेगा। ज्वेलरी का काम इतना होता है कि भाई आप कितना भी सिंपल आउटफिट पहन लो पर आपने ज्वेलरी काफी अच्छी से पहन रखी है तो आपके आउटफिट में 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ ट्राई करके देख सकते हो यार, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट पीस है, 10/10 वाला है भाई, 10/10 वाला पीस है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स में। मैंने इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा लिया हुआ है क्योंकि मुझे इयररिंग्स पहनना पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, मैं आपको अपना इयररिंग दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे हॉल्स में आपने मुझे इसे पहने देखा हो क्योंकि पर्सनली मुझे ये वाले बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इयररिंग्स पे जो कि बहुत ही सुंदर है। सेम आपको मीनाकारी का काम मिलने वाला है इनमें, पहले आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ, पहले इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी। कुछ इस तरीके के इयररिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप उन चॉइस के अकॉर्डिंगली परचेज कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और जिस प्राइस में मुझे मिला उस प्राइस में भाई अमेजोन पे आप छान लो, आपको इतने अच्छे इयररिंग्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे आपको पूरा मीनाकारी की फिलिंग मिलने वाली है, यहाँ पे भी फिलिंग है, कुंदन का काम किया गया है और यहाँ पे मोतियों की लटकन लगा दी गई है, झुमका नीचे साइड लगा हुआ है, इसमें भी आपको मीनाकारी की फिलिंग मिलेगी एंड साथ ही साथ नीचे मोती वाली लटकन मिलने वाली है। दोनों इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये भी दिखाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे तो काफी अच्छे लगे। तो एक बार आप इसको भी ट्राई करके देखो क्योंकि इतना अच्छा पीस है तो आप इसे मिस मत करना और इन सेल हो सकता है आपको सस्ता पड़ जाए, तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीस पे
जो कि है ये प्यारी सी रिंग, सिंगल पीस है। लास्ट वाले अमेजोन हॉल में मैंने जावेरी पर्ल के आपको पैक ऑफ 3 रिंग्स दिखाई थी, तो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई एंड बहुत सारे लोग कमेंट था कि भाई सिंगल वाली भी दिखाओ, तो मैंने सिंगल परचेज करी, जावेरी पर्ल की नहीं है बट बहुत ही सुंदर सी, थोड़ी थोड़ी कुछ वैसी ही है। तो आप अगर सिंगल पीस ढूंढ रहे हैं तो इसे परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा आपको कुंदन की फिलिंग मिलने वाली है, बहुत ही प्यारा सा शेप बनाया गया है एंड साथ ही साथ में मोतियों की लड़ी यहाँ पे पेस्ट कर दी गई है पूरी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। कुछ इस तरीके से आप इसको देखिए, मुझे तो काफी सुंदर लगी एंड पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। भाई कमेंट मत करना कि हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं, कुछ ऐसे ही हाथ है यार, पर ठीक है, कुछ ऐसी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर है। और ये आपके इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों में ही चल जाएगी, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं मैं नेक्स्ट पीस पे, जो कि अगेन है ऑक्सीडाइज झुमके। मुझे बड़े बड़े झुमके पहनना बहुत ज्यादा पसंद है भाई, तो फिर से मंगा लिया अपने लिए बहुत ही सुंदर से ऑक्सीडाइज झुमके, बहुत ही सुंदर है। बहुत पास से पहले आप इनको देख लो, फिर मैं आगे की डिटेलिंग की बात करते हैं इसके। तो यहाँ पे आपको पूरी फिलिंग मिलने वाली है, यहाँ पे आपको लटकन मिल जाएगी एंड ये पूरा जो झुमका टोकरी है इसमें भी आपको फिलिंग मिलने वाली है, कलरफुल कुछ इस तरीके की, बिल्कुल लाइट वेटेड से है, आपको वजन नहीं लगने वाला कान में पहनने के बाद, बहुत ही बढ़िया है, ऑक्सीडाइज है। अगर आप इनको चिकनकारी कुर्ते के साथ स्टाइल करोगे ना, तो आप भाई चिकनकारी में जान लग जाएंगे। चिकनकारी अपने आप में एक रिच लुक देता है और इनको पहनने के बाद तो आप बहुत सुंदर लगोगे। एंड एक बिंदी लगा लेना, ओ माय गॉड, जितना मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रही हूँ उस हिसाब से आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हो। तो इस तरीके के झुमके ट्राई करो, 300-400 रुपए के ज्यादा महंगे नहीं है, हो सकता है आपको और साइट्स में सस्ते मिल जाए बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली। तो एक कहावत है अगर आपने सुनी हो तो, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, तो थोड़ा सा महंगा ट्राई करके देखो और अच्छा है, क्वालिटी में काफी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं मैं नेक्स्ट पीस पे, जो कि मैंने परचेज करे हैं बैंगल और ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। साइज छोटा आ गया है बट वैसे एक्सचेंज करके बड़ा साइज ले लूंगी। बहुत ही सुंदर से बैंगल्स हैं, बहुत ही भारी से, अगर मैं ऐसा गोल्ड का बनवाने जाऊं तो कम से कम मेरे 3-4 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, तो इतना महंगा तो नहीं बनवा सकती हूँ। तो हम इसे ट्राई करके देखेंगे, काफी सुंदर सा है, बहुत ही प्यारा सा कुंदन का काम मिलेगा आपको इसमें। कुंदन जो यूज किए गए वो पिंक और हल्का सा येलो कलर के कुंदन यूज किए गए हैं, पूरा आपका वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हो, गारंटी है इसके 6 मंथ की कि इसका कलर नहीं जाने वाला है। तो आप ऐसा कुछ बैंगल्स ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलने वाला है, फिलिंग करवा लो आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो, वैसे दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप बनारसी साड़ी से इसे स्टाइल कर लो, आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हो, बहुत ही ज्यादा। एक बार इसको ट्राई करके देखो भाई, मुझे तो काफी अच्छे लगे और जिस प्राइस में है, शायद ये 499 रुपीज के हैं, उस हिसाब से काफी हैवी से हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर से हैं, तो ऐसा कुछ भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट पीस की तरफ। जैसा कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मेरा गला बैठा हुआ है, पर फिर मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पीस पे और देखते हैं वो कैसा है। ये है एक नेकलेस सेट जो कि पैक ऑफ 2 है, भाई सस्ता मिले तो मैंने इसे परचेज कर लिया। ये मुझे 295 रुपीज का मिला है और 295 रुपीज के हिसाब से बेस्ट डील है मेरी अभी तक की भाई, बाकी सारे तो महंगे हैं बट ये 295 के हिसाब से और दो सेट मिल रहे हैं आपको, तो क्या चाहिए, एक चोकर मिलेगा, एक नेक पीस मिलेगा बहुत सुंदर सा। आप ब्राइट 2 भी हैं और चाहते हैं कुछ सस्ते में आप निपट जाएं तो ऐसा कुछ ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब मीन्स आपका बजट ज्यादा नहीं है तो ऐसा कुछ ट्राई करके देखो। और अगर भाभी वाभी है कहीं तो इसको ट्राई करके देखो, बहुत ही सुंदर सा चोकर है भाई, मुझे तो काफी अच्छा लगा। इसको ऐसे पैक करके रख दिया, बड़ा सा था तो सोचा कि इसको पैक करके रख दिया जाए, कुछ इस तरीके का आपको ये चोकर मिलने वाला है। इसमें आपको कुछ ऐसा काम मिलेगा एंड साइड साइड में पूरा मोतियों का लेस लगा हुआ जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें पूरे ग्रीन कलर के नग लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत पास से देख सकते हैं और मोती काफी अच्छे से लग रहे हैं। एंड भाई जब मैं इसको पहनूंगी तो काफी अच्छा सा लगने वाला है, तो मुझे तो ये काफी सही लगा। एंड इसके साथ आपको सेम वही स्ट्रट पैटर्न में इयररिंग्स मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं, कुछ इस तरीके के, तो काफी अच्छा पैक है ये। अगर 295 रुपीज में आपको सिंगल ये मिल रहा है तो सच्चा वो ले लो, इसको यूज में ले लेना, इसको किसी को दे देना अगर ऐसा कुछ करना है तो, बट मेरे हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया सा पीस है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। एंड हम इसके सेकंड पीस की बात करते हैं, उसे तो मैंने बिल्कुल भी अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि तो इतने अच्छे से पैक हो के आया था कि खोलने का मन ही नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मांग टीका भी मिलने वाला है, ये नेक पीस मिलेगा और पूरे नेक पीस में यहाँ पे कुंदन का काम किया गया है, साथ साथ यहाँ पे मोती का काम है। इसको मैं खोल नहीं रही हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलोगे कि मैं खोल के दिखाऊं तो मैं शॉर्ट्स में इसको ओपन करके दिखा दूंगी पूरा पास से।
या पूरा मोतियों का काम मिलने वाला है, ये इसमें ही अटैच है। एंड ये दोनों इयर रिंग्स मिलेंगे आपको, एंड ये मिलने वाली है माथा पट्टी। बैग से यहाँ पे पैक होके आया हुआ है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। एंड भाई आप ब्राइट टू भी तो इसे ट्राई करके देख सकते हो, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, काफी अच्छा सा है यार। एक बार कभी कभार होता है ना कि स्कूल में फंक्शन है बच्चों का तो हमें कुछ ऐसा कुछ चाहिए है, तो उसके लिए आप इसे परचेज कर सकती हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। तो गाइस ये था मेरा आज का कलेक्शन। एंड आवाज सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, बट ये हॉल आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम्हारे साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई जी, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आप लोग बस टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे मेरी वीडियो के। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।